नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का मुकाबला है गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ, गुजरात और केकेआर के बीच में आज का मैच खेला जाएगा। तो आज हम यहाँ पे गुजरात और केकेआर के बीच जो मैच खेला जा रहा है, इसी मैच का ड्रीम इलेवन पर हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ड्रीम इलेवन पर हम टीम बनाने वाले हैं। चलिए तो टीम बनाने से पहले एक बार जान लेते हैं यहाँ का पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, टॉप के बैटर कौन है, कौन से 11 प्लेयर रहने वाले हैं जो आज आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग जिताने वाले हैं, और कौन सा वो ट्रम्प प्लेयर रहने वाला जो आज आपको यहाँ पे विनिंग करके देना है, जो आपको मैच निकाल के देने वाला है। साथ ही आज के मैच में कौन सा वो ट्रम्प प्लेयर आपको यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का जो मैच हो रहा है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो गुजरात टाइटन्स और केकेआर के बीच जो मैच खेला जा रहा है, तो अगर आप बात करें पॉइंट टेबल के हिसाब से, तो गुजरात टाइटन्स यहाँ पे 8वें नंबर पे है। और अगर आप देखो तो इनके दो मैच बचे, यानी कि आज का मैच है और जो अगला मैच है। तो वहीं बात कर लें, जो आज का ये मैच है इसमें गुजरात टाइटन्स को जीतना बहुत ज़रूरी है अगर इनको क्वालिफिकेशन में जाना है, अगर प्लेऑफ्स के लिए बने रहना है। यानी कि अगर आप टफ तो बहुत है इनके लिए, क्योंकि आप देख रहे हो इनका 8 पॉइंट है और -1.63 के इनका नेट रन रेट है, तो काफ़ी पीछे हैं। अगर हम केकेआर की बात कर ले तो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, और बस इनको अपना जो एक नंबर का जो एक और दो नंबर का जो स्पॉट है उसके लिए करना क्या है कि आज का मैच जीतना इनके लिए ज़रूरी है। अगर आज का मैच जीतते हैं तो अपना एक और दो नंबर का जिनका स्पॉट है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके लिए अपना जगह अपना फिक्स कर लेंगे। तो ये अगर आप देखोगे तो दोनों के लिए मस्ट विन गेम रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात टाइटन्स के लिए, बेहद जरूरी है आज का मैच। केकेआर आज अपनी टीम में अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमा सकते हैं, जो बेंच में बैठे हुए खिलाड़ी हैं उनको भी आज खिला सकती है, कुछ इनके जो मौजूदा प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप करके। तो आइए टीम की बात कर लेते हैं, उससे पहले चलते हैं एक बार हम पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो जो मैच स्टैट्स है, जो रिसेंट के 5 मैच खेले गए हैं गुजरात टाइटन्स ने जो खेले हैं, इनको 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, मात्र 2 मैच में जीते हैं। वहीं अगर हम केकेआर की बात कर लें तो जो पिछला 5 मैच खेला गया इसमें केकेआर को 5 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं अगर हम बात करें कौन से वेन्यू पर मैच हो रहा था, अहमदाबाद में खेला जाएगा, यानी कि गुजरात टाइटन्स का ये लास्ट होम गेम है। तो यहाँ पे वो गुजरात टाइटन्स एनी हाउ चाहेगी कि वो मैच जीत के अपने क्वालिफिकेशन जो इनका प्लेऑफ्स है उसके लिए बने रहें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज रन स्कोर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 176 का एवरेज रन स्कोर है फर्स्ट इनिंग का। हम सेकंड इनिंग का भी आपको बताते हैं कि 172 का सेकंड इनिंग का एवरेज रन स्कोर है। वहीं आपको बताते हैं कि अगर हम वेन्यू विंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको स्टेट शो नहीं कर रहे हैं, तो 40% जो भी टॉस जीती है बल्लेबाजी करती है टीम उसके रहते हैं 40%। वहीं जो सेकंड बल्लेबाजी करते हैं उसके 60% चांसेस रहते हैं जीतने के, यानी जो भी टीम टॉस जीती है पहले बॉलिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती है। यहीं पे अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल 3 मैच खेले गए हैं जिसमें से गुजरात टाइटन्स को 2 में जीत और केकेआर को यहाँ पे 1 में जीत मिला है। ये यहाँ पे स्टैट्स आपको शो कर रहे हैं। टीम पे आते हैं, देखिए टीम में हमारे पास आप देख सकते हो विकेट कीपर सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार अगर आप चाहो तो लाइनअप भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से लाइनअप रहने वाला है, कौन सा प्लेयर कितने नंबर पर खेलने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात का तो साई सुदर्शन शुभमन गिल एक बार फिर से ओपन करते हुए नजर आएंगे। डेविड मिलर को माइट भी चांस है कि 3 नंबर पर खिलाया जा सकता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करके या शाहरुख खान को भी खिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ्यू वेड आ जाते हैं, राहुल तिवतिया है, राशिद खान रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं आपके। नूर अहमद भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, स्पिन अगर गेम बनाता है, स्पिन अगर मैच में चलता है तो ये 2 प्लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। उमेश यादव, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी, संदीप वरियर आपको यहाँ पे पेस अटैक को लीड करते नजर आएंगे। थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पे, इनके पास फिनिशर्स कम है इनकी टीम में। अगर ये मैथ्यू वेट को चाहे तो 4 या 5 नंबर पर खिला सकते हैं। वहीं पर अगर हम केकेआर की बात कर लें तो इनका अगर आप देखो तो अगर ओपन में देखेंगे तो फिल साल्ट और सुनील नारायण यहाँ पे ओपन करते नजर आएंगे, जो कि अच्छी जोड़ी है IPL 2024 के सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है। यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर यहाँ पे 3 और 4 नंबर पर आपको दिखेंगे। नीतीश राणा हो गए 5 नंबर पर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह आपको 6 और 7 नंबर पर फिनिशिंग करते नजर आएंगे रमनदीप के साथ में। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वैभव रेरा पेस अटैक को लीड करते नजर आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये ड्रॉप कर सकते हैं मिचेल स्टार्क को, इनको ड्रॉप करके किसी और प्लेयर खिला सकते हैं। पिछला मैच जो खेला था उन्होंने टोटली जो पेसर थे इनके वो इंडियन पेसर्स के उस पर ये मैच खेले थे और मैच को जीता भी था इन लोगों ने। तो वहीं अगर हम बात कर लें स्पिन डिपार्टमेंट में, तो इनके पास वरुण चक्रवर्ती मिल जाएंगे। वहीं स्पिन में अगर किसी को चांसेस दे सकते हैं, यहाँ पे सुरेश शर्मा हो गए, और माइट भी चांस है कि यहाँ पर सुरेकर भारत भी आज के मैच में खेल सकते हैं, मनीष पांडे को भी मौका मिल सकता है, चेतन सकारिये भी अच्छे ऑप्शन है, इनको भी आज के मैच में खिला सकते हैं। तो ये टीम यहाँ पे रहने वाली है। आ जाते हैं हम पे विकेट कीपर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। विकेट कीपर की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन विकेट कीपर में, देखिए फिल साल्ट हो गए,
आपको यहाँ पे रिद्धिमान साहा खेलते नजर आएंगे, मैथ्यू वेड रहेंगे। देखिए मैथ्यू वेड को लोअर डाउन में खिला रही गुजरात टाइटन्स, तो इतने आपको जो ऑप्शन बनता है कि आप किस प्लेयर को लेना चाहते हो एज ए विकेट कीपर, तो बहुत ज़्यादा लोअर डाउन आप प्लेयर अपनी टीम में नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो जो टॉप ऑर्डर के विकेट कीपर होते हैं उनसे आपको ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे फिलसाल्ट एक अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, तो फिलसाल्ट को अपनी टीम में लेते हैं। देखिए फिलसाल्ट का जो रिसेंट का फॉर्म बहुत शानदार है और अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी ये कर रहे हैं, तो वहीं पे फिलसाल्ट अगर गुरबाज खेलते हैं तो गुरबाज को भी आप ले सकते हो, ओपन कर सकते हैं। रिद्वान साहा को गुजरात टाइटन्स ने ड्रॉप किया है, इतना अच्छा सीजन नहीं जा रहा था, तभी हम एक विकेट कीपर के साथ आगे बढ़ते हैं। बैट्समैन में देख सकते हो आप साई सुदर्शन, एक आपके अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। आपके रिकॉर्ड्स पर मैं स्टैट्स बताने वाला हूँ कुछ एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखिए साई सुदर्शन लगभग 603 रन बनाए इस वेन्यू पे, लगभग 45 से 46 के एवरेज से, तो इनको ये वेन्यू सूट करता है, तो आज के मैच में भी मैट भी चांस है कि ये जो है 40 से 50 रन का स्कोर ला सकते हैं और पॉइंट आपको अच्छे खासे देने वाले हैं। आज इनको अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। शुभमन गिल का आपको बताते हैं जो रिकॉर्ड्स इस वेन्यू पे 1027 रन उन्होंने बनाया है 70 के एवरेज से, तो बहुत शानदार रिकॉर्ड है इनका इस वेन्यू पे, ये भी अच्छी ऑप्शन है। और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी आपका सटीक ऑप्शन रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में ऐड कर सकते हो, श्रेयस अय्यर ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, एक दो मैच छोड़कर सारे मैचों में उन्होंने ठीक ठाक पॉइंट अर्न करके दिए हैं लगभग 45 के एवरेज से। डेविड मिलर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, लोअर डाउन बल्लेबाजी करते हैं। रिंकू सिंह को ड्रॉप कर रहे हैं लोअर डाउन में। नीतीश राणा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इनको अपनी टीम अगर आप ऐड कर सकते हो अगर ये 3 या 4 नंबर पर खेलते हैं तो। अभी के लिए हम नीतीश राणा को ऐड करके चलते हैं। ऑलराउंडर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन मिल जाएंगे। रसल को अपनी टीम में आपको रखना है, भाई 4 ओवर 2 डालता डालता अगर ये बैटिंग ओपनिंग पेयर जो होती है केकेआर की अच्छी खेल गई तो ये 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाता है। अगर 12-13 ओवर हो गया है तो जल्दी भी इनको भेज सकते हैं बैटिंग में, तो अंदर रसल अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सुनील नारायण एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, सुनील नारायण को भाई आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ये हमारे कैप्टन के सबसे सटीक ऑप्शन है, क्योंकि चार एज ए बॉलर ये 4 ओवर फेंकने वाले हैं, 1-2 विकेट आपको निकाल कर देंगे। अगर बल्लेबाजी में बल्ले चलता है बंदा तो आपको ठीक ठाक पॉइंट अर्न करके दे देगा। आप देख सकते हो 1200 पॉइंट इवर हाईएस्ट इन्होंने स्कोर किया हुआ है, पॉइंट अर्न किया है। तो दो ऑप्शन ये हो गए हैं, शादाब खान, राहुल तेवतिया, रिंकू सिंह। देखिए यहाँ पे बॉलर्स भी आपको गेम बनाते नजर आएंगे, तो बॉलर्स अपनी टीम में रखना है। एक तो राशिद खान हो गए, दूसरा यहाँ पे हम मोहित शर्मा को ऐड कर रहे हैं गुजरात टाइटन्स से। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केकेआर की, तो हर्षित राणा और यहाँ पे वैभव अरोरा, दो हम यहाँ पे पेसर्स रख रहे हैं केकेआर की तरफ से। एक बार हम चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। देखिए कैप्टन का जो सटीक ऑप्शन है आज के मैच में, हम यहाँ पे कैप्टन सुनील नारायण और वाइस कैप्टन साई सुदर्शन को बना रहे हैं। एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए कुछ इस प्रकार से टीम क्रिएट हुई है। आपको करना क्या है, सेम टीम को सेव करके रखना है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, जैसे लाइनअप आउट होता है आपको यहाँ पे परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन वाली टीम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया। एज जैसे आप देखोगे कल के मैच में हम लोगों ने अच्छी विनिंग करी थी, तो कुछ उसी तरह से आज भी हम यहाँ पर विनिंग करने वाले हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है।